आइए जानते हैं टूटी हुई हड्डियों को देखने के अलावा एक्सरे और क्या क्या काम करती है। आपने डॉग्स की ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सीटी तो सुनी ही होगी, और अगर सुनी है तो भाई साहब आप कमाल धमाल और बेमिसाल हैं, क्योंकि ये हाई पिच की सीटी इंसानों के सुनने की क्षमता के ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर बजती है, जिसे इंसान नहीं पर डॉग्स सुन सकते हैं। अब आप कहोगे बात तो एक्सरे की हो रही थी, सवाल तो सही है, तो जवाब भी सुन लो। रोशनी और एक्सरे दोनों वेव ही हैं और वाइब्रेट भी करती हैं, परंतु रोशनी तो दिखती है लेकिन एक्सरे नहीं दिखती, और इसका कारण है एक्सरे का रोशनी से 8000 गुना ज्यादा तेज वाइब्रेशन करना। टूटी हुई हड्डियों के अलावा एक्सरे की मदद से आप किसी भी डब्बा बंद आइटम के अंदर झांक सकते हैं, शायद ये कोई बॉम्ब हो। मिलिट्री एयरप्लेन्स को बनाते हुए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए उसके हर एक पार्ट को एक्सरे की मदद से जांच जाता है। फिल्म को ध्यान से देखकर उसमें आए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसे कोई बारीक क्रैक या एयर बबल वाले पीस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस जबरदस्त खोज का क्रेडिट विलियम रोंटेंजन को जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, और एक्सरे कहने से पहले इन्हें रोंटेंजन रे कहा जाता था। आज की डेट यानी 10 फरवरी और रोंटेंजन के बीच में क्या संबंध है?